हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पेट्स। आज मैं आपको क्यूट सी डॉग ब्रीड से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जिसका नाम है डैक्शन। ये रहे वो प्यारे से डैक्शन, पर आप इनकी प्यारी सी शक्ल पर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि इनमें बहुत से राज छुपे हैं। आज मैं इनके सारे राज खोलूँगी, चलिए देखते हैं। दोस्तों, डैक्शन की डॉग ब्रीड जर्मनी से आती है। डैक्शन डॉग की हिस्ट्री करीब 600 साल पुरानी है। जर्मन में इनके नाम का मतलब है बेजर्ड डॉग, और इनको बेजर्ड्स को पकड़ने के लिए ही ब्रीड किया गया था। ये बेजर्ड्स की गुफाओं में घुस के उनको वहाँ से बाहर निकालते हैं। उसी तरीके से छोटी और लंबी गुफाओं में घुसने के लिए इनकी बॉडी को भी डेवलप किया गया। इनकी बॉडी को हाइट में छोटा कर दिया गया और लंबा कर दिया गया। बेजर्ड्स पकड़ने के साथ साथ रैबिट को भी गुफाओं से निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता था। कुछ ब्रीड अथॉरिटीज़ ये भी कहते हैं कि डैक्शन के एक पूरे झुंड में, जिसमें करीब 10 से लेकर 20 के आसपास डैक्शन होते थे, उनको बाइलडोर को पकड़ने के लिए भी यूज़ किया जाता था। और डैक्शन की डॉग ब्रीड बहुत टाइम से जर्मनी का नेशनल सिंबल भी रहा है। डैक्शन की ब्रीड 3 कोट वेराइटीज़ में पाई जाती है। एक है स्मूथ कोट, एक है लॉन्ग कोट, एक है वायर हेयर्ड कोट। और डैक्शन की डॉग ब्रीड 2 अलग अलग वेराइटीज़ में पाई जाती है, जिनमें एक है स्टैंडर्ड डैक्शन और एक है मिनिएचर डैक्शन। स्टैंडर्ड डैक्शन की बात करें तो ये थोड़े लंबे होते हैं, जिनकी एवरेज हाइट 8 to 9 inches तक होती है। और जो मिनिएचर डैक्शन होते हैं, इनकी एवरेज हाइट 5 to 6 inches तक होती है। डैक्शन के टेम्परमेंट की बात करें तो ये स्ट्रेंजर्स के लिए और दूसरी डॉग ब्रीड के लिए थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं। डैक्शन काफ़ी प्लेफुल डॉग है, लेकिन इनको एज अ हंटिंग डॉग ब्रीड किया गया था, तो इनकी जेनेटिक्स में थोड़ी सी हंटिंग एबिलिटी होती है। तो अगर इन्हें कोई छोटा एनिमल या बर्ड दिख जाए तो ये उसका पीछा जरूर करेंगे। अगर आपके घर में चूहा या बर्ड एज अ पेट है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डैक्शन उनको हर्ट ना करें। दोस्तों, डैक्शन की ब्रीड काफ़ी अग्रेसिव डॉग ब्रीड होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, डैक्शन छोटे होने के बावजूद काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। इन्हें आप कह सकते हैं छोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका। ये भले ही छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही लार्ज साइज़ के हों। इन्हें अगर बचपन से ही लोगों के साथ और दूसरे डॉग के साथ सोशलाइज किया जाए, तो ये छोटे बच्चों के साथ भी इजीली रह सकते हैं। और इनकी लाइफ में भी सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में भी मीडियम एज के बच्चे हैं, जैसे कि 5 से लेकर 8 साल के आसपास के, तो ध्यान रखिए कि वो इन डॉग के साथ ज़्यादा रफ ना खेलें, क्योंकि डैक्शन काफ़ी स्मॉल साइज़ की डॉग ब्रीड होती है। तो अगर इनके साथ बच्चे ज़्यादा रफ खेलने लग जाएंगे तो इनको चोट भी लग सकती है। डैक्शन की हाइट जरूर छोटी होती है, लेकिन ये डॉग काफ़ी मस्कुलर होते हैं, और उसी के साथ साथ ये काफ़ी एनर्जेटिक भी होते हैं। तो आपको इनको रेगुलर एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी। अगर आप डैक्शन के फ्रंट के पैरों को देखें तो थोड़े पैडल शेप में हैं, क्योंकि ये अपना आगे का पैर खुदाई करने के लिए यूज़ करते हैं। डैक्शन के एवरेज वेट की बात करें तो इनका वेट करीब 8 kg to 15 kg तक होता है। डैक्शन की प्राइस इंडिया में करीब 7,000 से 8,000 के बीच होती है। यदि आप इन्हें लेना चाहें तो बहुत से अलग अलग कोट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्लैक, चॉकलेट और ब्लैक इन टैन, लेकिन ज़्यादातर आपको ब्लैक एंड टैन कोट कलर में ही देखने को मिलेंगे। इनकी एवरेज लाइफ टाइम 12 to 15 years तक होती है। सो गाइस, कैसी लगे आपको डैक्शन? यदि आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। सो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।